गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको हैमर थ्रो के बारे में बताऊंगा। इसके पहले हमने थ्रो इवेंट के दो अलग अलग मैंने बताए थे, एक डिस्कस थ्रो के और एक शॉर्ट पुट के। पहले मैंने शॉर्ट पुट को बताया था, डिस्कस थ्रो। अब मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूँ हैमर थ्रो के बारे में। हैमर थ्रो क्या है और सेम सर्किल शॉर्ट पुट की भी रहती है, सेम सर्किल डिस्कस थ्रो की भी रहती है, सेम हैमर थ्रो भी है, लेकिन साइज लेंथ सब कुछ अलग अलग होता है ना। जो इसकी साइज है 7 फीट सेंटर पे रखे, और इसमें भी कील और चुने की जरूरत पड़ती है, टेप, कील, चुना, टेप, ये तीन चीज़ें की जरूरत पड़ती है। सेम सर्किल वही बनता है। इसकी जो लंबाई आपका जो सेक्टर होता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 60 मीटर 90 मीटर तक हो जाता है, 40 मीटर 60 मीटर एंड 90 अप्रोक्स तक जाता है। इसके अलावा ये जो आपका शाइड लाइन जो आपको दिख रहा है, सबके लाइन जो आपको दिख रहा है, 2 फिट का होता है, जो कि हमें ये हैमर थ्रो, जो हैमर थ्रो आप देख रहे हैं, हैमर थ्रो ग्रिप है। आप लोग हैमर थ्रो के हमारे देखे होंगे, मैंने ये बना के आपको दिखाया हुआ है, चित्र जो आप बना हुआ है देख रहे हैं। और जो ये ग्रिप है ऊपर पकड़ने के लिए, इसको हिंदी से दाग गोला भी कहते हैं और इंग्लिश में हैमर थ्रो बोलते हैं। ये ग्रिप है, इसके अलावा ये हैंडल है, ये पूरे हैंडल आ रही है, और ये गोला है जो शॉर्ट पुट का गोला होता है, सेम ये गोला यहाँ लगा होता है, इसको तार गोला भी बोलते हैं और इंग्लिश में हैमर थ्रो बोलते हैं। इसका टोटल वेट होता है 7.26 kg होता है, 7.26 ग्राम होता है। साथ ही ये इसको हैमर थ्रो बोलते हैं। जो प्राचीन कालों में ये जो युद्ध हुआ करते थे तो इसे यूज किया जाता था, हैमर थ्रो यूज किया जाता था, आपका गोला भी यूज किया जाता था, सब कुछ अलग अलग विधाओं से। और ये एथलेटिक्स के अंदर ही आता है, हैमर थ्रो थ्रो इवेंट हो गया, रनिंग इवेंट हो गया। अभी तो हम आपको शुरू कर रहे हैं आपको थ्रो इवेंट से, जो कि ये सर्किल 7 फिट के सर्किल पे है, और इसका जो बाहर आउटलाइन पे जो आप मैंने बनाया है वो 2 फिट है, और जो इसकी लंबाई है, ये दोनों जो लाइनें के बीच में जो है, ये आपको 60 मीटर 40 मीटर हैमर थ्रो जितने भी पोजिशन है मैं आपको ई वी से भेज दूंगा, क्या पोजिशन हो जाए और किस तरह उसे थ्रो किया जाता है। आपको हैमर थ्रो लेके आपको सीधे आपको फ्रंट साइड से नहीं, आपको बैक साइड से इन करना है। बैक साइड से इन करने के बाद आपको गोला पकड़ना है, हैमर थ्रो जो है, हैमर ये ग्रिप है, ग्रिप पकड़ने के बाद उसे राउंड करना है, फिर राउंड में उसे छोड़ना है। हमें वो हैमर थ्रो को मैं इसको ग्रिप से छोड़ने के बाद वो लाइन से बाहर ना जाए, लाइन से बाहर गया तो फाउल मारा जाएगा। इसके अलावा हम हैमर थ्रो करने के बाद वही चीज़ डिस्कस थ्रो में भी है, वही चीज़ आपका शॉर्ट पुट में भी, वही चीज़ हैमर में भी। हम थ्रो करने के बाद हम इस लाइन से जो आपकी आउट लाइन बाहर जो दिख रही है, हमने जो लाइन बनाया है बाहर सर्किल के बाहर बनाया है, आपको इधर से नहीं निकालना है, राइट साइड से निकालना है, आपको आगे से नहीं निकालना, आपको बैक साइड से निकल के आपको यहाँ आ जाना है, जो इसकी पोजिशन है। तो आपको ये चीज़ समझना है हैमर थ्रो का। हैमर थ्रो एथलेटिक्स के इवेंट में, थ्रो इवेंट में पूरे अलग अलग आते हैं। फर्स्ट आपको मैंने बताया था डिस्कस शॉर्ट थ्रो बताया था, फिर हैमर थ्रो बताया, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया डिस्कस थ्रो, शॉर्ट थ्रो, डिस्कस और हैमर थ्रो। और इसके अलावा जो भी